नालछा के चंदावाला तालाब के बीचों बीच में स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ रही थी। चंदावाला तालाब के बीचों बीच स्थित यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है और इसी मंदिर के चारों ओर तालाब के पानी से मंदिर के सुंदरता पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर खींचती है। खास बात यह है कि तालाब के चारों ओर के किनारे बड़े बड़े लगभग एक ही आकार के पत्थर से सीढ़ीनुमा बनाए गए हैं और तालाब में पानी की आवक का एक ही स्थान है जहां मगरमच्छ के मुंह की आकृति के तीन पत्थर हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में तालाब में लगाए गए पत्थरों से निर्मित मगरमच्छ के मुंहनुमा आकृति में ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि बारिश का पानी स्वच्छ होकर तालाब में आए। वहीं महाशिवरात्रि के अलावा भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं द्वारा ही एक अस्थायी कच्चा मार्ग तालाब के बीच मंदिर तक जाने के लिए बनाया गया है। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज के दिन हमारे गुरुजी श्री श्री 1000 श्री सरस्वती जी महाराज का जन्म दिवस भी है और आज के दिन शिवरात्रि का महत्व भी है। शिवरात्रि भी आज के दिन मनाई जाती है और हमारे गुरुजी का जन्मदिन भी आज ही दिन मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका महत्व डबल हो गया। और हमारे गुरुजी ये तपोभूमि है, यहाँ पे शिवलिंग भी है नीचे और यहाँ से 15 से 20 हज़ार पब्लिक का भंडारा भोजन प्रसाद हर साल होता है। अभी ये भंडारा चलेगा कब तक चलेगा? क्या आपको 9 से 10 बजे तक भंडारा चलेगा, पब्लिक एक जैसे रहेगा। और ये प्रसिद्ध कैसे हुआ, श्रद्धालुओं को कैसे पता लगा कि नीचे बैठे में भी राम भगवान और शिवलिंग की प्रतिमा है? इसको कुछ क्या यहाँ पर हमारे गुरु जी श्री श्री 1000 से सरस्वती महाराज बहुत पहले बरसों पहले यहाँ आए थे, जो लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई संत है। जब वहीं आए राम जी यहाँ पर रुके थे तो राम जी ने भी यहाँ पर जहाँ पर शिव मंदिर है वो शिवलिंग राम जी ने स्थापना किया। राम जी कब रुके थे? राम जी बरसों पहले यहाँ रुके थे। यहाँ पास में एक सबरी गांव भी है, सेवरी माँ जी, तो यहाँ पे राम जी रुके थे। आपका नाम? डॉक्टर महेश यादव। आज महाशिवरात्रि का पर्व इतने पूरे भारत में देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो रामपाल की में क्या इतिहास रहा है पूरा? इसे रामपाल की में बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में थे उस समय के रास्ते में आया था और यहाँ पर भगवान राम रुके थे। जब भगवान ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, अति प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है और हमारे गुरु महाराज सर्वेश्वर दास जी महाराज के कृपा से यहाँ पर भव्य आयोजन होता है और करते थे सब गुरु महाराज है। नाम हमारा हो जाता भक्तों का, लेकिन सब करने वाले थे गुरु महाराज जी। मध्य प्रदेश में नालछा में स्थित यह तालाब अति प्राचीन है जो पूरी तरीके से पक्का निर्माणित है, जिसके बीचों बीच सिद्धेश्वर महादेव तालाब के बीचों बीच महादेव स्थित पूरा मंदिर स्थित है यहाँ पर। और शिवरात्रि पर यहाँ पर्व मनाए जा रहे हैं और प्रशासन से मैं यही निवेदन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर्यटन की स्थिति दृष्टि से देखा जाए तो मांडव के बहुत ही करीब है, पहले मांडव जाने के पहले ही बीच रास्ते में यह स्थित है और यहाँ से ही अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, और अगर पर्यटन विभाग शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि वो अगर इस ओर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में इस क्षेत्र को और अच्छे से पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।